नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका राज आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजप्रिया का खास प्रोग्राम छठ स्पेशल। जी हाँ, अपने इस प्रोग्राम में हम आप सभी लोगों के लिए छठ पूजा के साथ जुड़ी तमाम अलग अलग तरह की जानकारियाँ, अलग अलग तरह की खबरें, कथाएं और गीत के बारे में जानकारी लेकर आएंगे। अब हाल ही में देख लीजिए भाई, इस समय पर छठ पूजा 11 तारीख से स्टार्ट है, लेकिन इस छठ पूजा के इस खास दिन के मौके पर कौन सा पर्व किस समय पर किस तिथि किस दिन करना है ये जानना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने इस छठ स्पेशल के प्रोग्राम में आज हम आप लोगों के लिए जानकारी जो लेकर आए हैं उसमें बताने वाले हैं कि इस बार यानी साल 2018 का जो छठ पर्व है वो किस तारीख से और किस समय से स्टार्ट है। और पहली, जी हाँ, नहाए खाए, खरना, पहली अर्घ और पारण, यानी ये चारों दिन कौन कौन सी तारीख को पड़ रहा है, क्या क्या इसके शुभ मुहूर्त हैं, इस तरह की तमाम जानकारियां आप लोगों के लिए हम लेकर हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे और आप लोगों को अपने इस रिपोर्ट के ज़रिए बताएंगे छठ पूजा के इस साल के खास दिन के साथ जुड़ी कुछ खास खबरें। देखिए हमारी ये खास। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए होता है। जी हाँ, वैसे तो कार्तिक शुक्ल षष्ठमी को मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को ही नहाए खाए के साथ उसकी शुरुआत हो जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रती स्नान आदि करके वस्त्र धारण करके शाकाहारी भोजन करते हैं। व्रती के भोजन करने के पश्चात ही घर के बाकी लोग भी खाना खाते हैं। वहीं अगर अगले दिन की बात करें तो दूसरा दिन होता है खरना। कार्तिक शुक्ल पंचमी को पूरे दिन व्रत रखा जाता है और शाम को व्रती भोजन ग्रहण करते हैं, इसे खरना कहा जाता है। इस दिन अन्न और जल ग्रहण किए बिना उपवास किया जाता है। शाम को चाव और गुड़ से खीर बनाकर खाया जाता है। नमक और चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। चावल का पिट्ठा और घी लगी रोटी भी खाई प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। वहीं बात करें षष्ठमी के दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है, जिसमें ठेकुआ विशेष होता है। कुछ स्थानों पर इसे टिकरी भी कहा जाता है। चावल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। प्रसाद और फल लेकर बांस की टोकरी में सजाए जाते हैं। टोकरी की पूजा कर सभी व्रती सूर्य को अर्घ देने के लिए तालाब, नदी या घाट आदि पर जाते हैं। स्नान कर डूबते सूरज की वहां फिर आराधना की जाती है और अगले दिन यानी कि सप्तमी को सुबह सूर्य उदय के समय भी सूर्य देव की उपासना की जाती है और फिर से अर्घ देने की प्रतिक्रिया को दोहराया जाता है। वहीं अगर इस साल की बात करें यानी कि साल 2018 की छठ पूजा के खास दिन की बात करें तो इस साल 11 नवंबर से छठ पूजा की शुरुआत है। 11 नवंबर को नहाए खाए है, वहीं पर 12 नवंबर को खरना है। और बात करें अगर जो अर्घ देने की तो 13 नवंबर को छठ पूजा के दिन में जो सूर्योदय का समय है 6:41 से है और सूर्य अस्त का जो समय है वो 5:28 का है। बात करें अगले दिन का, जी हाँ, यानी कि षष्ठमी में जो तिथि की शुरुआत है वो 1:50 से है। वहीं अगर सप्तमी की बात करें यानी कि पारण के दिन की बात करें तो समाप्ति है 4:22 पर। जी हाँ, यानी कि सुबह का अर्घ हम सुबह दे सकते हैं और सप्तमी की जो समाप्ति है वो 4:22 शाम के समय का है। और ये था इस साल के छठ पूजा के दिन के साथ जुड़ी वो जानकारी जो कि इस साल समय और तिथि के अनुसार छठ पूजा की विधि विधान को किया जा सकता है। और इस बार का छठ पूजा 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक मनाया जा रहा है। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों कि यानी कि इस बार 11 तारीख से छठ पूजा की शुरुआत हो गई है और हो जाएगी, और उसके बाद छठ पूजा का त्यौहार जो है वो 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलेगी। और
आज के खास प्रोग्राम में इतना ही, और अभी से लेकर छठ पूजा तक लगातार हम आप लोगों के बीच छठ स्पेशल के इस खास प्रोग्राम में कुछ नई जानकारी, नई खबरें लेकर आते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा आपके पास भी अगर जो छठ पूजा के साथ जुड़ी कुछ खास बातें या जानकारियां हैं तो आप हमारे इस प्रोग्राम में नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए लिख कर बता सकते हैं। और ऐसे ही हमारे छठ पूजा स्पेशल प्रोग्राम से जुड़े रहने के लिए नीचे कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल दोस्तों आज के खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।